हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे राजमा और दाल का मिक्स पराठा। इसके लिए मैं आवश्यक सामग्री चाहिए 1 कप राजमा, 1 कप मोठ, 1 कप काबुली चने, थोड़ी सी चने की दाल और खड़े मूंग। इन सबको हमने रात में भिगो दिया है और सुबह हमने इन सबको 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया। अब इन्हें कुकर में डालकर 3-4 सीटी लेंगे। इस तरह ये उबलकर तैयार है। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची डालकर मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा अमचूर, गरम मसाला, शक्कर, तिल्ली सौंफ, हींग, राई जीरा और खड़े मसाले, दालचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे और उसे गरम करेंगे। इसमें सारे मसाले एक एक कर हम डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर ना हो तो आप नींबू का शरबत भी डाल सकते हैं खटाई के लिए। मसाले डालने के बाद इन्हें अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। आटे की एक लोई लेकर हम इसे पूरन पोली की तरह बेलेंगे। अब इसमें हम मसाला भरकर रोटी की तरह गोल बेलेंगे। इसे हमें बेलते वक्त ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से बेलें। तवे को हम गैस पर रख कर अच्छे से गरम करेंगे। जब तवा गरम हो जाएगा तो इस पर हम पराठा डाल लेंगे। पराठे के दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेकेंगे। ये हमारा हेल्दी और टेस्टी पराठा बनकर तैयार है। इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।